हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर रिलीज एक नई कोरियन मूवी जिसका नाम है कॉल। ये मूवी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। मूवी की ओवरऑल लेंथ सिर्फ 1 घंटे 50 मिनट की। अब मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि ये मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। बात करेंगे इस मूवी के प्लॉट की, तो कहानी शुरू होती है शियोन से, जो कि अपने फैमिली के साथ कोरिया में रहती है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब शियोन का मोबाइल घूम जाता है, तो इसलिए वो अपने घर जाने के बाद उसके घर के कॉर्डलेस फ़ोन से जब अपने फ़ोन नंबर पर कॉल कर रही होती, तब शियोन को एक लड़की का फ़ोन आता जिसका नाम होता है यंगशुक। अब उसके बाद शियोन की लाइफ में क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये मूवी। मूवी के अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो वो अनबिलीवेबल है। ऐसी चीज़ें रियल में होना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन ये एक इमेजिनेशन है जो आपको रियल महसूस होता है, जो कि आउटस्टैंडिंग था। उसके अलावा इस मूवी में अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो देखिए, दो ही मेन कैरेक्टर है, एक तो शियोन और दूसरे यंगशुक। इन दोनों कैरेक्टर को इस पूरी मूवी में बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप भी किया, और उनसे रिलेटेड हमको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इस पूरी मूवी में बताई, जिससे हम लोग ईजिली उन दोनों से कनेक्शन बना लेते हैं। और मैं एक चीज़ बता दूँ कि इस मूवी में आपको प्रेजेंट और पास्ट से रिलेटेड काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसे देखने को मिलेगी जो आपको समझ में आएगी भी, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके सर से बाउंसर निकल जाएगी। लेकिन मैं आपसे इतना ही कह सकता हूँ कि अगर आपको इस तरह की मूवीज़ देखना पसंद है तो ये आपके लिए किसी ट्रीट से कम है नहीं। अब बात करेंगे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस पर्टिकुलर मूवी को लेकर, क्योंकि जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो मुझे ओके लगा था। लेकिन जब आप इस मूवी को देखोगे और इस मूवी में बताए गए हर एक सीन्स को देखोगे तो आप इसकी सिनेमेटोग्राफी की तारीफ करोगे, और साथ साथ यहाँ पर जो लेवल का VFX बताया वो तो भाई गजब है। आप लोग इस तरीके के VFX ऑलमोस्ट हॉलीवुड की मूवीज़ में देखते हो, लेकिन यहाँ पर कोरियन मूवीज़ में अगर इस लेवल का VFX हो तो वो सोने पर सुहागा होता है, और ये मूवी में आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिलती है। उसके अलावा यहाँ पर आपको काफ़ी वॉयलेंस के सीन देखने को मिलते हैं, जो एक वक्त में आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑडियंस को वॉयलेंस वाली मूवीज़ पसंद है तो उनको ये मूवी बहुत अच्छी लगेगी। इसके अलावा अगर मूवी की BGM की बात करें तो देखिए, कोरियन मूवीज़ की एक चीज़ मैं आपको 100% बता दूँ, वो है उनका BGM। आप उनके BGM सुनोगे ना, चाहे वो रोमांटिक हो, चाहे वो एक्शन हो, चाहे वो इमोशनल मूवीज हो, उनका BGM एक अलग ही लेवल का होता है, और यहाँ पर भी आप वो सारी चीजें फील कर पाते हो। इवन यहाँ पर तो आपको बहुत सारे सीन्स में अलग अलग BGM सुनने को मिलता है, जो आपको अलग ही फीलिंग देता है, और इसकी वजह से वो जो एक टेंशन का जो माहौल है ना, वो पूरी मूवी में क्रिएट रहता है, और बस इसलिए आप इस पूरी मूवी से एंगेज भी रहते हो, और आप हर एक सीन गौर से देखते हो कि भाई अब होगा क्या। और ये हुआ है इसके जो इंटेंस बैकग्राउंड म्यूजिक है उस वजह से। उसके अलावा इस मूवी में अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर सभी एक्टर्स ने अपने हिस्से के रोल को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया, लेकिन जिस लड़की ने यहाँ पर यंगशुक और शियोन का रोल प्ले किया, उन दोनों ने बहुत ही काबिले तारीफ परफॉर्मेंस किया, और सब दोनों के लिए चैलेंजिंग रोल था, और एक सेकंड के लिए भी आपको ऐसा फील नहीं आता कि वो लोग एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसा लगता है सारी चीज़ें रियल में हो रही है। और उसके अलावा मूवी की स्टोरी बहुत ही गजब की लगी, जिस तरह से वो ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे थे, और एंडिंग में जो ट्विस्ट है ना, वो मैंने सोचा भी नहीं था। और सीरियसली जब आप इस मूवी की एंडिंग देखोगे ना, तो आपके पूरी तरह से होश उड़ने वाले हैं। उसके अलावा इस मूवी की नेगेटिविटी की बात करें तो फिलहाल मुझे पर्सनली इस मूवी में कुछ भी नेगेटिविटी नहीं लगी। हालांकि इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो रियल लाइफ में होना मुश्किल है, लेकिन वो इमेजिनेशन ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और उस इमेजिनेशन को इतनी अच्छी तरह से प्रेजेंट करना यार, वो कोई अच्छा फिल्म मेकर ही कर सकता है। तो मेरे हिसाब से मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि ये मूवी आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। पेरेंटल गाइडेंस के लिए तो मैं इतना ही बोल दूँ कि भाई ये मूवी में आपको एडल्ट सीन तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, वॉयलेंस के कुछ सीन्स है जो आप अपने फैमिली यानी जो बुजुर्ग लोग हैं या जो बच्चे हैं उनके सामने अवॉइड कर सकते हो। बाकी अगर एडल्ट हो तो ये मूवी आप लोग को डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा 10 out of 10। मेरे हिसाब से तो ये वन ऑफ द बेस्ट कोरियन मूवीज़ में से एक है जो 2020 में रिलीज हुई है। लेकिन आपका क्या ओपिनियन है इस मूवी को लेकर, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। अगर तो बस मैं मिलूंगा शाम को एक नया वीडियो लेकर। टिल देन दुआ में याद रखना, मैं हूँ राशि शेख, और आप सब है आपके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट में। तो टिल देन।